हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। सो टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम पढ़ने वाले मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मॉडुलस जो है, पहले आपने बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट पढ़ा होगा, मतलब बस आपको पता है कि मॉड कैसे यूज करते हैं। पहले बता दूं, जो मॉडुलस होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं। जैसे लॉगरिथम को लॉग बोलते हैं, वैसे मॉडुलस को मॉड बोलते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक आपने पढ़ा है, पहले आपको बहुत ही एक बारीकी सी नॉलेज है उसमें। बट ये भी क्लियर कर दूं कि वही नॉलेज काफ़ी है अभी के पूरे लेक्चर को समझने के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत मज़े में होगा। दूसरी बात, इस जो जो ये सेगमेंट रहेगा हमारा मॉडुलस वाला, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन लेंदी बनता है। आपको पता चल जाएगा कैसे होगा, कैलकुलेशन वाइज नहीं, मतलब बस एक क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट्स वाई ये लेंदी बन जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा ये नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन देखते हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन छोटा नहीं हो सकता है, बट फिर भी देखना हमारे लिए जरूरी है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी, अच्छा मॉडुलस इनइक्वालिटी के पहले मैं मॉडुलस फंक्शन आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो मॉडुलस फंक्शन का जो पार्ट है ना, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है और कंसेप्चुअल पार्ट है, वो हमें पढ़ना है फंक्शन चैप्टर में। बट थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट जो है वो अभी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखें, एनालिटिकल पार्ट केवल पढ़ रहे हैं कि कैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सब फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे केवल हम ये डील करेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। बट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आप थोड़ा बहुत पढ़े हो। तो कुछ नॉलेज यदि मैं देखूँ आपको पहले की, तो आपको ये पता है कि यदि ये मैं मॉड लिखा हूँ, ये ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है, मॉड लिखा है, ठीक है ना। मॉड मतलब फुल फॉर्म मॉडुलस, मॉडुलस लिखा है। यदि इसके अंदर कुछ भी मैं आइटम डालता हूँ, मैं 4 डालूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मॉड के अंदर -4 भी डालूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये जो मॉडुलस होता है ना, ये एक मशीन होती है पॉजिटिव बनाने की, ठीक है। पॉजिटिव आउटपुट देगा ये, कुछ भी आप इनपुट डालोगे वो पॉजिटिव बना के दे देता है, ठीक है। आप कुछ भी डालो, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, वैल्यू यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाता है। ध्यान से देखें, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसी से इसका डेफिनेशन बनना है। यदि मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर जो वैल्यू होती है वही आ जाता है, जो वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। बट यदि मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव है, देखो ये निगेटिव है 3.1, तो आंसर क्या होता है 3.1, मतलब पॉजिटिव आ जाता है। तो आंसर वो नहीं आया जो है इसमें, बात क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, अब कोई बोलेगा कि सर क्या हुआ इसमें, ध्यान से देखो हुआ क्या, ये आया एज इट इज, ये आया एज इट इज, ये देखो एज इट इज आ गया, एज इट इज आया ना। बट इसको एडिशनली एक माइनस और दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है 3.1। तो मॉडुलस जो फंक्शन है उसका मतलब यही होता है कि यदि मॉड के अंदर जो हमारी क्वांटिटी है या जो हमारा इनपुट है, यदि वो पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी के थ्रू मैं अभी इसका डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, कि मॉड के अंदर जो भी हमारी क्वांटिटी है वो यदि पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर होगा वो एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज मतलब जो अंदर रखे हो वही बाहर आ जाएगा, समझे। इनपुट यदि पॉजिटिव है तो आउटपुट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है यदि इनपुट निगेटिव है, तो इनपुट निगेटिव है तो इसको भी आपको एज इट इज ले आना है, लेकिन एक एडिशनल माइनस देना है। देखो एज इट इज आया हुआ और एक एडिशनल माइनस देना है, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको जनरलाइज करूं मॉडुलस फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूं, ये रहा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इस पर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे अपन, मतलब इक्वेशंस, मॉडुलस इक्वेशंस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। यदि मैं इसको जनरलाइज करूं कि कोई भी एक क्वांटिटी है जो एक्स है, जो मॉड के अंदर रखी हुई है, तो आप बता सकते हो क्या कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बता सकते हो क्या? डायरेक्टली देख के आप नहीं बता सकते। क्लियर कट इसका आंसर है कि सर इट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, चूंकि एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और एक्स को हम ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना निगेटिव बोल सकते हैं ना जीरो बोल सकते हैं। मे बी वो कभी पॉजिटिव होगा, मे बी कभी निगेटिव होगा, मे बी कभी जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, आप ध्यान से देखें कि जब अंदर वाला आइटम पॉजिटिव रहा होगा तो आंसर एज इट इज लिख दो। एज इट इज मतलब जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा। क्या बोला था, अंदर वाला आइटम यदि पॉजिटिव है तो आंसर जो भी है वही लिख दो। तो मैंने बोला अंदर वाला आइटम यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, एक्स है ना, तो हमने बोला इसको एज इट इज लिख दो इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव रहा तो या जीरो भी रहा तो, यही तो बात बोल रहा हूँ कि यदि पॉजिटिव रहा तो मॉड के बाहर एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यदि निगेटिव रहा तो, निगेटिव रहा तो एज इट इज तो आता है लेकिन एक एडिशनल माइनस लेके आता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। कई लोग बोलेंगे ये सर निगेटिव हो गया ना, ये तो निगेटिव हो गया। अरे गलत बात है, निगेटिव कैसे हुआ, आपको एक्स के बारे में पता है क्या कि पॉजिटिव है कि निगेटिव नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन देखो, बोला कि यदि एक्स निगेटिव होगा, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, मतलब जो अंदर रखा हुआ आइटम है वो निगेटिव हो जाए,
समझना, मतलब -5 हो जाए, -4 हो जाए, -20 हो जाए, -100 हो जाए, अंदर वाला आइटम -100 है, तो यहाँ पे 100 आंसर आएगा ना, तो x की वैल्यू -100, तो यहाँ -100 लिखोगे और एडिशनल माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत लोगों को ये पचता नहीं है कि ये कैसे हो गया, कि सर मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव देता है, ये क्या कांड कर दिया आपने। ये बिल्कुल सब चीज पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्यों, जब x पॉजिटिव होगा तो एज इट इज लिख दो, जब x नेगेटिव होगा तो एडिशनल माइनस दे दो। x नेगेटिव होगा मतलब इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, और एक और एडिशनल माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। और ये बात आपको पहले से पता थी कि अंदर कुछ भी रहे बाहर पॉजिटिव आएगा, बट ये डिटेल में ऐसे नहीं पता था आपको, अब शायद आपको पता होगा। और ये हमेशा ध्यान में रखना आपको कि कभी भी मॉडुलस के अंदर यदि इनपुट हमारा पॉजिटिव है, इनपुट मतलब समझ रहे हो ना, जो मॉडुलस के अंदर रख रहे हैं, तो हमारा आउटपुट एज इट इज आ जाएगा, और इनपुट निगेटिव है तो एक एडिशनल माइनस दे के आएगा। क्लियर है? तो यदि मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूँ, मैं ऐसे बोलूँ कि मॉड ऑफ -3 कितना हो जाएगा, तो आप आंसर क्या दे देंगे, 3। बट इसका इंटरनल जो कम मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ वो आपने नहीं लिखा, कैसे ऐसे आता है ये, कैसे ये एज इट इज आया, निगेटिव है ना, एज इट इज तो आ गया, एक और एडिशनल हमने माइनस दे दिया, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मैं माइनस ऑफ 1.2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस पहले दे दो और इसको एज इट इज लेके आओ, माइनस ऑफ 1.2, तब ये होता है 1.2। लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बताया गया था, हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बताया गया था, दैट्स वाई ये चीज़ मिसिंग थी हमारे लिए, ठीक है। दूसरी बात, इनपुट में कुछ भी दे सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो दे सकते हो। अब मॉड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 0, वो तो 0 ही आएगा ना। अब कोई बोले मॉडुलस ऑफ +0 और मॉडुलस ऑफ -0, अरे प्लस माइनस 0 सेम चीज होता है यार, 0 तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, इकलौता ऐसा नंबर है जो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मॉडुलस 0 हमेशा 0 होता है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे हम मॉडुलस फंक्शन को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन के साथ साथ हम इक्वेशंस भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कुछ इक्वेशन समझेंगे, मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, कि मॉडुलस इक्वेशंस जब आते हैं, इक्वेशंस मॉड में लिख के आते हैं तो कैसे डील करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। मैं यहाँ पे मॉडुलस इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मॉडुलस इक्वेशन नहीं समझेंगे तो इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया था तो लीनियर इनइक्वालिटी भी आसानी से समझ गए थे, वैसे ही मॉडुलस इक्वेशन यदि आप सीख जाते हो तो मॉडुलस इनइक्वालिटी भी आसानी से समझ जाओगे। तो मॉडुलस इक्वेशन में ये पूरा का पूरा गेम एग्जाम्पल के थ्रू चलेगा, पूरा जो होगा मॉडुलस इक्वेशन पूरा एग्जाम्पल के थ्रू होगा। तो इसमें पहले एग्जाम्पल लेते हैं और आप ऐसे ही आंसर दे दोगे, देखो ध्यान से। यदि मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 है तो फाइंड x, x की वैल्यू बताओ। तो एक तो हिडन ट्रायल से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, पिद्दा क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, आंसर सीधा सीधा आप दे सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5, दिस इज आवर आंसर, कि सर इसमें 5 रखोगे तो भी 5 देगा, -5 रखोगे तो भी 5 देगा, तो बहुत क्लियर कट है। बट ये आता कैसे है ये भी समझना ध्यान से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे इसी में समझाते चलेंगे, कि भाई तब मैं ऐसे बोल दूं कि 2x इक्वल टू 8 है तो यहां भी फाइंड x, x की वैल्यू बताओ। अब क्या करोगे, 2 को भेज दे क्या उधर, 2 को भेज दे क्या उधर, भेज दिया जाए, भेज सकते हो क्या, यही बात समझना है जी, भेज सकते हैं, आराम से भेज सकते हैं, बट तरीका ये होता नहीं है ऐसे कि हम भेज सकते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, देखो असल में जो मॉड का गेम होता है ना, कुछ ऐसा होता है। मैं अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 लिखा था ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं मॉड हटाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि मॉड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मॉड हटेगा, इसके दो तरीके हैं, या तो ये प्लस माइनस लेके हटेगा, ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू, या तो x की वैल्यू +5 हो सकती है या -5 हो सकती है, और मॉड हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या फायदा होगा, मतलब ये पता है कि जो हमारा यहाँ पे जो इनपुट होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि x के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ध्यान से देखो, x के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मैं दोनों का रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या बोला आपने कि x के बारे में आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे यहाँ पे केस नंबर 1 जो हमने आंसर दिया है ना, उसको मैं और डिटेल में जा रहा हूँ। इफ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रही होगी, ये देखो कंडीशन, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक तो आपने डायरेक्ट आंसर दिया और दूसरा मेथड ये चल रहा है आपके पास कि ऐसा है तो क्या करेंगे। देखो ध्यान से, यदि x अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव रहा होगा, इफ देन ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। कब, जब x पॉजिटिव रहा होगा तो x पॉजिटिव रहा होगा तो ये आंसर देगा, तो ये भी आंसर पॉजिटिव ही है ना, मतलब x पॉजिटिव है। केस नंबर 2, इफ x
नेगेटिव रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देन मॉड एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस फाइव, मतलब दो आंसर हो गया ना हमारे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस फाइव। या तो आप ऐसे कर सकते हो केसेस बना के, और दूसरा तरीका क्या होता है, हमें पता है कि जो मॉडुलस के अंदर की वैल्यू होगी ना, या तो एज इट इज आएगी या माइनस लेके आएगी, या तो एज इट इज आएगी या माइनस लेके आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो। स्क्वायर करने से होता क्या, ध्यान से देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये या तो प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे या तो प्लस एक्स में ओपन हुआ होगा या माइनस एक्स में ओपन हुआ होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स के साथ ओपन होगा, निगेटिव होगा तो माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, बट दोनों ही केस में स्क्वायर होना है। प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, समझना ध्यान से। जो मॉडुलस ऑफ एक्स है, या तो प्लस एक्स बना होगा या तो माइनस एक्स बना होगा, कुछ भी हो जाए, ये इतना ही बन सकता है। तो यदि दोनों मैं स्क्वायर कर दूं तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो इस केस में क्या करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें डायरेक्टली, या तो केसेस बनाओ या स्क्वायर करो। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल यदि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो स्क्वायर करना इजी रहेगा। मैं आगे बताऊंगा कि कब केसेस बना के करना है, वैसे आप केसेस बना के करें तो हमेशा सही है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं ना, यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख के इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब 4x स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर होगा अंदर का, ये नहीं कि स्क्वायर होगा तो केवल मॉड गायब हो जाएगा, इक्वल टू 64। अब क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू जीरो, तो दिस इज एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, पता है नहीं है पहले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस विल बी जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4। आप रख के देख लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4, आंसर सही है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि सर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 रख लो, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये बात बहुत क्लियर है, आप डायरेक्ट क्या करें, जब भी सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन है तो स्क्वायर करके कर लें। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और इजी करते जाएंगे इसको, और शॉर्ट मेथड बताएंगे, थोड़ी देर बाद आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप इतना तक समझे होंगे। थोड़ा सा देखो अपने लीग से हटके है ये, हम कभी भी ऐसे चीज़ों को डील नहीं किए हुए हैं, तो आप ये बात समझ के चलें कि हम बिल्कुल नई चीज़ सीख रहे हैं। नई चीज़ सीख रहे हैं तो फोकस पूरा इस पे होना चाहिए कि कैसे कैसे मैं केसेस बना रहा हूँ, क्यों मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो पूरे इस पोर्शन में आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो आई होप आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जो भी बातें होंगी बार बार देखो, बार बार समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो कि क्या बातें बोली जा रही है। अक्सर यही कन्फ्यूजन रहता है, जिसको मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि अंदर का आइटम, यदि अंदर का आइटम, ये अंदर x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, यदि पॉजिटिव रहा तो आंसर एज इट इज हो जाता है, अंदर का आइटम यदि निगेटिव रहा तो माइनस एक्स होता है। उसी की हेल्प से हमने ये केसेस बनाए हैं कि हमें अंदर के आइटम के बारे में पता नहीं है, यदि पॉजिटिव रहा तो एज इट इज ओपन होगा, तो एज इट इज मतलब एक्स का एक्स रह जाएगा, फाइव का फाइव रह जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई, यदि अंदर निगेटिव रहेगा तो एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू फाइव, तो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आ गई। बात समझ रहे हैं, तो अभी वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन करिए और मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं इसी का और समझते चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद धीरे से हम क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी पे स्विच कर जाएंगे, बहुत होले होले, ठीक है ना, आसानी से देखते देखते। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि 3x इक्वल टू माइनस ऑफ 9, तो फाइंड x, ठीक है ना। कई बार क्या होगा, आपको उल्लू बनाया जाएगा, उल्लू समझते हो ना, ये एक बहुत ही विचित्र प्राणी है, ठीक है, जिसको रात में दिखता है और दिन में नहीं दिखता, तो आपको भी उल्लू बनाया जाएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं, आपके सामने चीजें रखी हुई हैं। एक बात बताओ, मॉडुलस की वैल्यू कभी भी निगेटिव आ सकती है क्या? मॉडुलस क्या बोलता है कि मॉडुलस एक तो ऐसी मशीन है जिसके अंदर कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव बना के देगा। मॉडुलस का मतलब यही होता है कि उसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव आई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा एक्स कहीं डिफाइन नहीं है जो इसको सॉल्व कर पाए, मतलब यहाँ पे रखें और इसको सेटिस्फाई कर पाए। तो बहुत ध्यान से देखें कि कभी भी जो मॉडुलस होता है ना, ये बात बचपन से आपको पता है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है तो निगेटिव दे ही नहीं सकता है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कभी भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, फोर्थ, वहाँ पर बोलता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3,
तो फाइंड एक्स, यहां भी हम सब में एक्स ही फाइंड आउट करने वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं ये लिखना बंद करूंगा कि फाइंड एक्स। तो सोचो अब क्या करते हैं इसको। अब क्या है कि जैसे हम स्क्वायर करने वाला बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहां स्क्वायर करेंगे तो लेंथी होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी एक बार कर लेते हैं और नए मेथड्स भी कुछ बताऊंगा। तो मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उससे क्या फायदा हो गया, मॉड हट जाएगा। कहीं भी पूरे JEE तक और आपके स्टेट बोर्ड तक कहीं भी आपको मॉड्यूलस हटाना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है स्क्वायरिंग, सबसे बेस्ट मेथड होता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन लेंदी ना बन जाए, इसलिए इसके लिए हमारे पास और भी गुंजाइश हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करेंगे तो ये मॉड हट जाएगा और ये एज इट इज स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 9। वैसे आप देख के आंसर दे सकते हो कि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी हो जाएगा और -4 रखेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे देख के ही आंसर दे दोगे कि x की वैल्यू 2 एंड -4 आना चाहिए, -4 एंड 2 आना चाहिए, ये हमारा रख के देख लो। तो ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये इधर आएगा तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है, 8 के दो फैक्टर्स को घटाने पर 2 आ जाए, 4 एंड 2, राइट है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो दिस इज x प्लस 4 एंड माइनस 2 कॉमन लिया तो दिस इज ऑल्सो x प्लस 4। तो बात समझ रहे होंगे, अब तो ये क्वाड्रेटिक है, ये तो एक बच्चा भी कर सकता है पांचवी का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एंड माइनस 4, यही तो आया है हमारा आंसर, यही तो आया हमारा आंसर। देखो तो समझे क्या। अब देखो इसका मेथड 2, अब देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ थोड़ी देर में कि अब हम कौन सा मेथड बार बार यूज करेंगे, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 केसेस बना के, केसेस बना के देखो ध्यान से। केस नंबर 1 कौन सा केस बनेगा, अंदर जो आइटम लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या क्या है। हमने बोला सर ये तो डिपेंड करेगा ना x पे कि x की वैल्यू क्या है। हमने बोला ठीक है तो केसेस बनाओ। तो हमने मान लिया कि लेट x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इफ यदि ये पॉजिटिव रहा होगा तो, पॉजिटिव रहा होगा तो मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन माइनस 1 रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा। ये केस है कि यदि x की वैल्यू ऐसी रही होगी तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज ओपन कर दोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हमने बताया है कि अभी इफ ये पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1 2। अब आप चेक करें, पहले उसने क्या बोला था, x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 होनी चाहिए, हमारी x की वैल्यू ऐसी आई है क्या, क्योंकि दोनों एक सेम ही है, ये अलग नहीं है। पहले आपने क्या कंडीशन दिया कि x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी तो आप इसको ओपन कर सकते हो, तो इसको ओपन करते इसने बोला x वैल्यू 2 आ रही है, क्या इससे बड़ी आई है क्या, हमने बोला हाँ बड़ी आई है, फिर तो सही है, फिर तो सही है, ठीक है ना। तो हमारा एक आंसर ये हो गया, ठीक है। बाद में भी बताएंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इफ एंड देन में भी इंटरसेक्शन होता है, जैसे एंड में इंटरसेक्शन होता है। केस नंबर 2, अब क्या बोला, इफ जो अंदर वाला आइटम है x प्लस 1 हो क्या हो जाए, लेस देन 0 मतलब x लेस देन माइनस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देन ये माइनस के साथ ओपन होगा, एक एडिशनल माइनस देगा इसको, तो माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 3 उधर भेज दो तो माइनस x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू माइनस 4। अब आप चेक करें कि क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उधर नहीं जाना, इधर ही घुमा देना इसको, कि क्या हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये माइनस 1 से छोटा है क्या, हमने बोला हाँ हाँ छोटा है, बात ठीक है। तो एक हमारा आंसर ये हो गया, तो एक हमारा ये हो गया, दोनों का यूनियन लो, या तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, मतलब या तो ये पॉजिटिव हुआ होगा या तो ये नेगेटिव हुआ होगा, या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, तो दिस और दिस मतलब आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। एंड पहले भी ये सारी बातें हो चुकी है, यदि यहां पे एंड आता है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन, और आता है तो क्या हो जाएगा, यूनियन। हेंस फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 4 एंड 2। वैसे भी तो यही आया है, क्या फर्क पड़ता है, तो फिर केसेस बना के अभी क्यों करेंगे, जब जरूरत होगा तो करेंगे, जब बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे तो केसेस बना के ही करना है, इसलिए मैं इसका भी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। मेथड नंबर 3 भी है और छोटे छोटे क्वेश्चन में यूजुअली हम इसी को यूज करेंगे। क्या होता है, हमने बोला या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या तो ये निगेटिव रहा होगा, तो एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा एक बार निगेटिव के साथ ओपन होगा, यही तो बोलता है लॉग कि यदि पॉजिटिव रहा होगा तो एज इट इज ओपन होगा, निगेटिव रहा होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा। तो हम एक ही बार दोनों ओपन कर देते हैं कि या तो ये पॉजिटिव रहा होगा या ये निगेटिव रहा होगा, तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन कर दो, इसको बात खत्म है। एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके सॉल्व करो, तो क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन तो हो ही रहा है,
एक बार यहां पे केस नंबर वन क्या है कि प्लस लेके करो, तो प्लस लेके करोगे तो x प्लस वन इक्वल टू थ्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और केस नंबर टू क्या है कि माइनस लेके सॉल्व करो, तो ये सब हुआ है पहले से, ये माइनस लेके सॉल्व किया हुआ है, देखो तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी माइनस 4, तो अल्टीमेटली यहां भी आंसर हमारे पास क्या हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया बताओ, x इक्वल टू माइनस 4 एंड 2, तो आया कि नहीं, सबसे एक ही जैसा आंसर आया। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, जब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो हम प्लस माइनस लेके सॉल्व कर लेंगे, बट ये जो मेथड है मेथड नंबर 2, ये मास्टर मेथड है, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ये, और इसी पे पूरा गेम है, तो इसको समझते चलें। कई लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि सर इफ दिस देन दिस, मतलब उसने क्या बोला, इसमें भी थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर दूं आपको कि यदि x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होती है तो ही आप ये काम कर सकते हो, और थोड़ी देर बाद बोल रहे हो कि नहीं x की वैल्यू माइनस 5 है, थी तो ये तो विचित्र घटना होगी ना, उसने बोला कि माइनस 1 से बड़ी होगी तो ही कर सकते हो, और x की वैल्यू माइनस 5 आ गई तो छोटी आ गई, फिर क्या बोलोगे कि जो हमारी x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी आई ही नहीं है, नहीं आई है मतलब ये हुआ ही होना ही नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब ऐसा x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद वो सब आएगा, सब कुछ आएगा थोड़ी देर बाद, बट पेशेंस रखने की जरूरत है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, तो मैं फट से एक और क्वेश्चन हूँ तो आप करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, फाइंड आउट x, यही तो चल रहा है ना, फाइंड x, तो क्या करोगे आप झट से सोल्यूशन कर दोगे ऐसे फट से, क्या करोगे 2x प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा प्लस माइनस इधर दूं या इधर दूं, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा और माइनस जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो उधर भी प्लस माइनस बनना ही बनना है, उधर दे दिया करो कोई दिक्कत नहीं है, जिधर आपको अच्छा लगे उधर दे दो। तो यहाँ पे केस नंबर वन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2, और केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस उधर जाकर माइनस ही बनेगा ना 1, तो माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5 बाई 2, तो यही हो जाएगा हमारा दोनों आंसर, तो हैंस x इक्वल टू माइनस ऑफ 5 बाई 2 एंड 3 बाई 2, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन वगैरह तो है नहीं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करें, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं फिर हम इनइक्वालिटी पे चलेंगे, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जांपल है बट जो भी है ले लो, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 4, ठीक है ऐसा ले लिया, तो देखते हैं क्या होता है इस केस में, यदि कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है। तो क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब यदि इसको मैं स्क्वायर करूँ तो आपको पता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा और ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, तो बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि उतना ईजी है, मुझे नहीं लगता उतना ईजी है, तो इसको क्या करो प्लस माइनस लेके सॉल्व कर दो, प्लस माइनस लेके सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन एक बार तो क्या होगा केस नंबर वन कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4 इक्वल टू 4 करके सॉल्व करेंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 2 आएगी, और केस नंबर टू क्या बोलेगा, या तो ये प्लस 4 आ सकता है या माइनस 4 आ सकता है, ये और वाला केस चलता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 4, इधर आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है फैक्टर तो हो नहीं रहा, फैक्टर तो हो नहीं रहा, देखो ध्यान से 8 के दो फैक्टर इसको ऐड करने पर 2 आ जाए, अरे 8 के फैक्टर ऐड करने पे 2 नहीं सब्सट्रैक्ट करने पे आ सकते थे, ठीक है ना, तो सब्सट्रैक्ट करने पे आ सकते थे, तो कोई बात नहीं छोड़ो, इसमें अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का, कैसे पहले d निकालो, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 32 मतलब माइनस का 28, अरे बाबा ये तो निगेटिव आ गया, d निगेटिव मतलब नो रूट्स, ठीक है तो इसके क्या हो जाएंगे नो रूट्स, नो रूट्स का मतलब समझते हो ना, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको जीरो बना दे, तो ये माइनस 4 कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या होगा जीरो रखोगे या 2 रखोगे तो ही इसके बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ से नो रूट्स मतलब x बिलोंग्स टू 5, x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबल है, हमें क्या करना था केस 1 केस 2 का यूनियन लेना था, हेंस फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड 2 रख के आप चेक कर लो, x की वैल्यू 0 2 रखोगे तो 4 के बराबर ही आएगा, तो जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना हो यूजुअली आप या तो स्क्वायर के थ्रू जाएंगे या प्लस माइनस के थ्रू जाएंगे, बट अब ध्यान से देखें इनइक्वालिटी में थोड़ा सा गेम चेंज होगा,
और मैं बोल रहा था आपको ना कि कहीं ना कहीं ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा लंबा रहता है, आपको समझ में जरिए आ गया होगा कि क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे केस बन जाते हैं कम से कम तो दो, कम से कम तो दो बनने ही हैं, दो से ज़्यादा भी बनते हैं। कब? अभी तो सिंगल मोड चल रहा है, अभी यहाँ मैं आगे और प्लस करके एक और मोड लगा दूँ तो भी तो हो सकता है, तो सब करेंगे अभी धीरे धीरे, अभी तो बेसिक है, अभी तो बहुत कुछ बेसिक चल रहा है, ठीक है ना, तो सब कर लेंगे हम लोग। तो अब हम चलते हैं इनइक्वालिटी पे, अब जो मुद्दा है वो इनइक्वालिटी की बात चलेगी। इनइक्वालिटी, ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि इक्वेशन सॉल्व करना भी थोड़ा सा बाकी इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। बाकी जैसे जो लीनियर होते हैं, यदि मॉड हटा दूँ तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, मॉड रहने की वजह से थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो सेम काम यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी जो इनइक्वालिटी है वो पूरा देखो, कंसेप्ट सारे जो भी हैं, रूल्स जो सारे हैं वो सब पहले के इनइक्वालिटी से ही आएंगे, बस मॉडुलस का जो कंसेप्ट है वो पैरेलल चलेगा इनके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने डबल इनइक्वालिटी पिछले लेक्चर में देखा था, तो डबल इनइक्वालिटी में होता हो क्या रहा था, एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा हो गया था, किसका, दो इनइक्वालिटी की वजह से। अब यहां भी क्या होगा, मॉडुलस आने की वजह से मॉडुलस का कंसेप्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, मॉडुलस में भी हम डबल देखेंगे, डबल इनइक्वालिटी सेम है जैसा, अभी मॉडुलस का सिंगल देख लो और जैसा वहां डबल किए थे इंटरसेक्शन लेके वैसे यहां भी कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यदि मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल से ही पूरा गेम चलेगा, एग्जाम्पल नंबर वन की मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को देने के पीछे बस यही रह जाए कि आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, ठीक है, या मैं ऐसे दे दूं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो और इजी हो जाएगा, ये और इजी हो जाएगा आंसर देने के लिए। क्या बोला आपने कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा सोचते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स कभी निगेटिव तो देगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव देगा, यहाँ पे जीरो रखने पे जीरो दे सकता है, मतलब जीरो देगा नहीं तो पॉजिटिव देगा, वही तो लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है, या तो जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी रखो इसके अंदर कुछ भी रखो आंसर ये क्या देगा, यही देगा। देखो ध्यान से, आंसर क्या देगा, जीरो या जीरो से बड़ा देगा, समझ रहे हो बात को। उसने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हम लोग ग्रेटर देन जीरो तो हमेशा होता है ये, तो क्योंकि ये तो निगेटिव होता नहीं है, मतलब लेस देन जीरो होता नहीं है, जीरो 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 पे होता है, तो इसका मतलब तो सही लिखा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मैं एग्जाम्पल नंबर टू लेता हूं, मतलब मॉडुलस ऑफ टू एक्स लेस देन जीरो, इसका आंसर बताएंगे आप, मॉडुलस ऑफ टू एक्स लेस देन जीरो। अरे मॉड के अंदर कुछ भी है उससे बाद में हम डील करेंगे ना, पहले मॉडुलस की चर्चा तो कर लेते हैं ना। मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव कब होती है, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव कब होती है, वैसे तो नहीं होती निगेटिव, तो फिर होगी ही नहीं निगेटिव, तो फिर आंसर क्या लिखेंगे, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो ये हो ही नहीं सकता, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो मतलब हो नहीं सकता का मतलब एक्स की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाई, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं जीरो से आगे बढ़ता हूं, एग्जाम्पल नंबर थ्री की बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू चाहिए। देखें ध्यान से, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, अब ये पूरा एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी होता है इसका सॉल्व करने का, जितनी इनइक्वालिटी पढ़े हैं ना सबका ग्राफिकल मेथड भी आता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ रहे हैं अभी। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, हमने बोला इसकी वैल्यू टू से बड़ी कब आएगी, मतलब माइनस थ्री रखेंगे तो आएगी क्या, हाँ माइनस थ्री पे आ जाएगी, थ्री रखेंगे तो आएगी क्या, हाँ थ्री रखेंगे तो भी आ जाएगा वैल्यू, माइनस फोर पे भी आ जाएगा, माइनस फाइव पे उस पर भी आ जाएगा, मतलब निगेटिव में भी जा रहा है पॉजिटिव में भी जा रहा है, समझ रहे बात को। होता क्या है इसका, ध्यान से देखो, इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं आपको। अब इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, इसका सोल्यूशन ध्यान से समझेंगे आपकी, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बट ये तो डायरेक्ट हम देख के बता दिए, ठीक है ना, अपने कॉमन सेंस से, यदि आपके पास थोड़ा भी है तो, और इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बताने को तो इनको भी बता सकते हैं बट थोड़ा सॉल्व करना सीखो। केस नंबर वन, इफ अंदर का आइटम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यदि ऐसा होता है तो, मतलब ये ध्यान रखें हमने x को क्या बाउंड कर दिया, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें ध्यान रखना है कि वो जीरो से बड़ा ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि छोटा कंसीडर करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये होगा तो ही आगे का स्टेप होगा, और आगे के स्टेप सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निगेटिव आ गई तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ तो ये होना ही नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे बात को, मतलब ये बाउंड हो गया x, यदि ऐसा होता है तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा मतलब देन x ग्रेटर देन टू,
ठीक है, अब क्या करना है, जब ये दोनों बोल रहे हैं ना, इसने बोला कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और इसने बोला x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना आपको, वैसे ही पता चल जाएगा इफ एंड देन में, एंड वाला ही कंडीशन होता है, इंटरसेक्शन वाला होता है, दोनों को सेटिस्फाई करना है। क्यों, अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से, एक नंबर ले लो पहले, दोनों को प्लॉट कर लो, फिर यहाँ बताता हूँ आपको। इसने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी ले लो, 0 से बड़ा होना चाहिए, बोला इतना होगा ना तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसने बोला मेरा आंसर ये आया है, देखो तो आपके पास है क्या ये 2, इसने बोला मेरा आंसर 2 से बड़ा आया है, आपके पास है क्या, इसने बोला हाँ हाँ आप ले सकते हो इसमें से, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है ना कि जो आंसर आया है वो 0 से बड़ा आया है, दैट्स व्हाई हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 से हमें एक कंक्लूजन मिला कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। केस नंबर 2 बनाते हैं, केस नंबर 2 ने क्या बोला कि इफ एक्स लेस देन 0, ये बाउंड कर दिया इसने, इफ एक्स लेस देन 0 की मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 ही होनी चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हो उस केस में, पार्टिकुलर केस में, या तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये होगा, और केस नंबर 2 आया होगा कि इफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 मींस एक्स लेस देन 2, यही तो होता है। फिर यहां भी क्या करना है, इंटरसेक्शन कि चेक करें, सॉरी एक्स लेस देन माइनस 2 होगा यहां पे, चेक करो, चेक करने के लिए हमेशा लाइन बना लिया करो, इसने बोला 0 से छोटा होना चाहिए मेरा, इसने बोला जो हमारा मास्टर कंडीशन है, इसने बोला मेरी वैल्यू तो माइनस 2 से छोटी आई है, तो बोला ठीक है तो मेरे अंदर ही तो है, तो हाँ सही है, उसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाहर जाओगे तो अगला स्टेप ले ही नहीं सकते हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही, तो अंदर रहने का मतलब दोनों का कॉमन देख लो ना, तो क्या हो जाएगा एक्स लेस देन माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा दिस और दिस, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल सोल्यूशन देखे ध्यान से, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन माइनस 2, आप रख के देख लो, या तो x की वैल्यू 2 से बड़ी रखो, 2 से बड़ी कुछ भी रखोगे तो सही होगा ना, 3 4 5 6 8 10 कुछ भी, या माइनस 2 से छोटा रखो, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 सही जा रहा है ना, इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, कैसे, और का मतलब यूनियन होता है, तो ये रहा माइनस 2, ये रहा 2, इसने बोला 2 से बड़ा और माइनस 2 से छोटा, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, आया क्या, सिंपल सी बात है, कैसे हम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे x अकेला है, समझना ध्यान से, x अकेला है, थोड़ा अलग भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, तो जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे केसेस बनाने ही पड़ेंगे, बट थोड़ी देर बाद मैं जो लीनियर इनइक्वालिटी है ना उसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, घोड़ा मेथड पढ़ेंगे हम, घोड़ा मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान से देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब ये देखो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें क्लियर रहेंगी तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे, ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, तो फिलहाल वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूं। ओके, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तीन हो गए थे, फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 3, इसमें x की वैल्यू बतानी है, मतलब x का इंटरवल बताना है, वैल्यू तो नहीं आएगी यहाँ पे, इंटरवल आएगा, चूंकि ये इक्वलिटी है नहीं, यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, कि एक या दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे, इसको भी कैसे डील करोगे आप, बिल्कुल जैसे पिछला मेथड था वैसे ही था, तीन चार क्वेश्चंस मैं इस मेथड से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा, जो बोला हूँ घोड़ा मेथड बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, केस नंबर 1, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि इफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका ही मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 को उधर भेजा, ये मैं इनइक्वालिटी में आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, देन यदि ऐसा होता है तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, x माइनस 2 लेस देन 3 तो x लेस देन 5 हो जाएगा, इसने क्या बोला कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो ही आप काम कर सकते हो, तो हम मिला लेते हैं दोनों को, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं दोनों, ये रहा 2 और ये रहा 5, इसने बोला 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, इसने बोला हम 5 से छोटे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इन दोनों के बीच का मैं घेर लेता हूं इनको, तो ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड, देखो ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड, हमने बोला 2 टू 5 में रह जाओ, 2 टू 5 का मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा भी हो गया और 5 के छोटा भी हो गया, तो यहां से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 लेना है क्या, हाँ 2 लेना है, 5 लेना है क्या, नहीं लेना है, ठीक है, ये बात आप समझेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इससे, इसलिए मैं बोल रहा था इंटरसेक्शन लेना है। फिर केस नंबर 2 आएगा, केस नंबर 2 क्या बोलेगा, इफ x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा,
ये माइनस के साथ ओपन होगा, मतलब यहां पे लिख लो x लेस देन 2, देन माइनस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 3, और ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 5। और ध्यान से देखें, यहां पे दोनों तरफ x माइनस हटा देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 आया ना। फिर इस कंडीशन और उस कंडीशन का इंटरसेक्शन, अब तो बात समझ ही गए हो आप, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसने 2 लिया है और इसने 5 लिया है, इसने क्या बोला 2 से छोटा और इसने क्या बोला 5 से बड़ा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। मतलब इसने बोला कि x की वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए तब हम काम करेंगे, इसने बोला कि नहीं हमारे पास तो 2 से छोटा ही है, तो बोला फिर तो काम नहीं हो सकता, बात खत्म है, बात खत्म है तो खत्म है। तो यहां से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है दोनों का यूनियन, क्यों, क्योंकि दोनों और वाले कंडीशन है, या तो ये और ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 to 5। अच्छा यहाँ पे इक्वलिटी कैसे आ गई थी, 2 से बड़ा, हाँ चलेगा, ठीक है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 5। 2 रख सकते हो, 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 5 रखोगे ना तो 3 आ जाएगा, 3 इज नॉट लेस देन 3, बट 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो 0 आएगा, 0 लेस देन 3। बात समझ गए आप, ठीक है। तो बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th हो गया, 5th करते हैं, ठीक है ना। 5th है हमारे पास, मॉड ऑफ 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। फिर से केसेस बनाएंगे, केसेस बनाते बनाते थक जाएंगे, ठीक है ना। बट मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आसानी से सॉल्व होगा वहां पे। सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है, इफ केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। यदि ऐसा होता है मतलब x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1/3, ये 1 उधर जाके माइनस बनेगा अपॉन 3, थोड़ा सा जल्दी लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे। देन यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 2, तो 3x ग्रेटर देन 1, 2 माइनस 1 1, तो x ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। दोनों को प्लॉट कर लिया, दोनों को प्लॉट करके और क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो। इसने क्या बोला माइनस ऑफ 1/3 से बड़ा, मतलब यहां, और इसने क्या बोला 1/3 से बड़ा, मतलब ये। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, यही हो जाएगा इसके आगे, तो क्या हो जाएगा यहां से, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, यहां से पहला केस का आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1/3 टू इंफिनिटी। 1/3 लेना है क्या, देख लो तो एक बार, 1/3 लेना है क्या, 1/3 एक में भी नहीं लेना तो दोनों में नहीं लेना, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट हम ढूंढ रहे हैं ना, तो नहीं लेना। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोलता है कि इफ दिस लेस देन 0, इफ 3x माइनस 1 लेस देन 0, 3x प्लस 1 है ना, प्लस 1 लेस देन 0, मतलब x लेस देन माइनस 1/3, यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ऐसा है तो क्या होगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो दिस इज माइनस ऑफ 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 2, मतलब माइनस ऑफ 3x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 3x ग्रेटर देन माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस ऑफ 3x ग्रेटर देन माइनस 1। अब माइनस हटाना है दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा 3x लेस देन 1, तो x लेस देन 1/3 हो जाएगा। दोनों का कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट देखो, पहले वाले ने क्या बोला x की वैल्यू माइनस 1/3 से छोटा, और दूसरे ने क्या बोला 1/3 से छोटा, मतलब क्या हुआ इससे छोटा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/3, ठीक है। अब फाइनल आपको आंसर लिखना है, फाइनल आंसर में क्या करेंगे, दोनों का यूनियन लेना है, तो हमने लिखा फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दिस यूनियन, ये छोटा वाला है निगेटिव वाला तो पहले ही है और पॉजिटिव वाला बाद में, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/3 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो मुद्दा है कि सर क्या बार बार हम ये करते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है जितनी बार आप करेंगे आपके कंसेप्ट पे उतना बड़ा ग्रिप बनेगा आपका, ठीक है ना, और जितना आप कंसेप्ट पे हावी होंगे क्वेश्चन इजी वे में होंगे। बट जब तक यहाँ पे लीनियर आता है ना, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, केवल लीनियर के लिए, लीनियर का मतलब समझते हो ना, जब एक्स की पावर 1 हो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। तो अभी फिलहाल आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, इसके बाद मैं शॉर्टकट बताता हूँ और उससे 3-4 क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं कैसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत देर से वेट था इसी का कि शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, बट शॉर्टकट के साथ एक लिमिटेशन है। एक ही टाइप के मतलब लीनियर टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व हो सकती है, जो मॉड के अंदर लीनियर फॉर्म में लिखी हो ना वही सॉल्व हो सकती है। और उसमें यह ध्यान रखना है कि एक्स का कोफिशियंट आपको वन रखना है, ठीक है ना, तभी ये शॉर्टकट में सॉल्व हो पाएगा। इसको हम बोलेंगे घोड़ा मेथड, और मैं शॉर्टकट आपको दिखाता हूँ घोड़ा मेथड में कैसे करेंगे, ठीक है। नाम क्यों घोड़ा मेथड पड़ा है, ऐसा कुछ नाम है नहीं, बनाया गया घोड़ा मेथड। बाकी कुछ आप भी रख सकते हो, गाय मेथड, बैल मेथड, भैंस मेथड, जो मर्जी पड़े आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है इसमें, मैं एग्जांपल से ही आपको डील करता हूँ। जैसे इसमें हमने एग्जांपल नंबर वन लिया, और देखो सारे एग्जांपल जो पहले कराए गए इससे भी हो सकते हैं। तो क्या क्या इसकी कंडीशन है, एग्जांपल नंबर वन x माइनस वन ग्रेटर देन थ्री, सपोज ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन है। तो पहली बात क्या आपको देखना है कि अंदर जो आइटम लिखा हो लीनियर होना चाहिए, लीनियर है हाँ है, x का कोएफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए, वन नहीं है तो हम वन बनाएंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल वन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते रहो, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाओ सीधा सीधा, कोई केसेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो रूट है ना, इसका इसका जो रूट है, रूट का मतलब इसका यदि मैं रूट बोलूँ तो क्या बोलोगे, रूट क्या है वन है ना, वन पे ये क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, रूट वन है। रूट जिसको नहीं निकालना तो उसके लिए क्या बोलूंगा, जो अंदर आइटम लिखा होगा उसको जीरो के बराबर कर लो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रूट हो जाती है। वन यहाँ पे प्लॉट कर लिया, अब इसने क्या बोला, जो घोड़ा है ना वो इस पे बांधना आपको। घोड़ा मेथड क्या बोलता है कि जो अंदर एक्सप्रेशन बन गया ना, फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब जब एक्स का कोएफिशिएंट वन बनाने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसके बाद रूट निकलेगा, और फिर घोड़ा कहाँ बच जाएगा, रूट पे। रूट पे घोड़ा बांध दिया, अब क्या करना है, ये रहा घोड़े की रस्सी की लेंथ, ये क्या है रस्सी की लेंथ है, थ्री लेंथ की रस्सी है। तो घोड़ा बंधेगा तो यहाँ कहाँ तक जा सकता है, फोर यूनिट तक, क्योंकि टू थ्री, थ्री लेंथ है ना, वन टू थ्री, और यहाँ कितना जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू तक जाएगा, जीरो माइनस वन, ठीक है। अब घोड़ा यहाँ बंधा था, इसकी रस्सी यहाँ तक चली गई, मैं अभी डार्क सर्कल कर रहा हूँ, इसे करने की आपको जरूरत है नहीं। अब क्या बोला जा गया है कि घोड़ा जब बधेगा तो क्या चारा खाएगा, वो तो घास लगा हुआ घास खाएगा, वो घास कहाँ खाना है बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बोला गया कि थ्री से आगे घास खाना, ग्रेटर देन थ्री मतलब थ्री के आगे घास खाना, मतलब थ्री यूनिट रस्सी के आगे खाना, आगे खाना मतलब इधर खाएगा और इधर खाएगा, बात खत्म है, और कहाँ खाएगा, इससे आगे ही खाएगा। बोला मालिक थ्री पे खा सकते हैं क्या, हमने बोला नहीं नहीं थ्री पे नहीं खा सकते, तो यहाँ नहीं खा सकते हो, तो कहाँ घास खाएगा घोड़ा, यहाँ से उधर पूरा, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, यही हो गया हमारा आंसर, यही आंसर, सिंपल है ये, कोई केसेस नहीं लिखना पड़ा, घोड़ा बांधा घास खिलाओ आंसर पाओ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये वन हो गया घोड़ा मेथड के हिसाब से, और एग्जाम्पल नंबर टू की बात करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस थ्री और x प्लस थ्री लेस देन टू, सपोज ऐसा आ जाए, तो यहाँ भी सब कुछ सेटल है पहले से ही है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है और लीनियर फॉर्म में है, तो क्या करो रूट बना दो, रूट क्या है माइनस थ्री, अब घोड़े की जो रस्सी की लेंथ है वो टू है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, और इधर माइनस फाइव। अब क्या बोला घोड़े को कि टू के अंदर ही रहना है तुझे, मतलब जो रस्सी है ना उसके अंदर ही रहना है, तो रस्सी के अंदर ही रहेगा वो, इधर खाएगा। बोला मालिक टू पे खा सकते हैं क्या, हमने बोला नहीं बिल्कुल नहीं खा सकता, तो कहाँ से कहाँ तक खाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझ रहे हो। तो बहुत आसानी से डील हो रहा होगा ये, बट जैसे ही थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेंगे, देखो ध्यान से, मैंने बोला मॉड ऑफ टू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू एट, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेटलमेंट की जरूरत पड़ेगी, जरा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्या लीनियर है, हाँ लीनियर है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है, नहीं जी वन नहीं है, वन बनाइए, वन कैसे बनाएंगे, जो भी इसका मल्टीपल है ना उसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो अंदर ही क्या हो गया एक्स माइनस टू लेस देन एट। और पता है आपको मॉड के लिए एक प्रॉपर्टी, अभी फिलहाल आप याद रख लो, आगे जब हम फंक्शन में मॉड पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कोई भी ना स्केलर फैक्टर मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर यदि मॉड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा, एज इट इज टू बाहर आ गया, तो दिस इज एक्स माइनस टू लेस देन एट, टू को इधर भेज दिया, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, या पूरे इनइक्वालिटी को टू से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज एक्स माइनस टू लेस देन फोर, और यहाँ पे मॉड है, मॉड को ना बोले क्योंकि पूरा गेम मॉड से ही चल रहा है, मॉड हटाओगे आंसर आधा आ जाएगा, हो गया बस। अब ये तो कुछ तो ऐसा ही बन गया, घोड़ा बांधा टू पे, रूट क्या है टू है,
इसका रूट टू है और घोड़ा फोर लेंथ की रस्सी से बंधेगा, तो टू से आगे फोर सिक्स हो जाएगा और टू के पीछे पर मतलब टू माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा। बोला घोड़ा अंदर खाएगा चारा, क्यों? क्योंकि फोर के अंदर ही रहना है, ये भी नहीं खाना और ये भी नहीं खाना, तो x बिलोंग्स टू माइनस टू टू सिक्स। बात क्लियर है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो ऐसे और दो तीन एग्जांपल ले लो ताकि अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा आपको और समझ में भी आ जाएगा। एग्जांपल नंबर फोर, मॉड ऑफ थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन टेन, ग्रेटर देन इक्वल टू टेन, फिर वही काम करेंगे। लेकिन यहाँ भी लीनियर फॉर्म में तो है लेकिन एक्स का कोफिशेंट वन नहीं है, वन नहीं है तो वन बनाओ, थ्री कॉमन लिया, थ्री कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई थ्री, कॉमन लेने आता है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन। अगेन पूरी इनइक्वालिटी को थ्री से डिवाइड किया, तो थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तो थ्री कैंसिल और इधर टेन बाई थ्री हो जाएगा। चूंकि नंबर पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। अब फिर हम आ गए अपने पुराने जैसे क्वेश्चन पे, ठीक है ना, यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे मॉड है, मॉड देना फिर से भूले नहीं, ठीक है। अब क्या करो, घोड़ा बांधो, घोड़ा बांध रहे हैं, घोड़ा कहाँ बांधेगा माइनस ऑफ टू बाई थ्री पे, रस्सी के लिए टेन बाई थ्री, मतलब इससे आगे टेन बाई थ्री जाना है तो मैंने ऐड कर दिया, इससे पीछे टेन बाई थ्री आना है तो मैंने माइनस कर दिया, देख लेंगे बाद में जो भी है। घोड़ा कहाँ चलेगा, बोला टेन बाई थ्री से आगे, टेन बाई थ्री से आगे चलना है, ग्रेटर देन आगे चलना है, इधर टेन बाई थ्री लेंथ से आगे, मतलब आगे का मतलब सोचो ये उसकी जो रस्सी की लेंथ है ना उससे बाहर, ठीक है। और क्या बोला मालिक, टेन बाई थ्री पे चढ़ सकते हैं क्या, जहाँ पर रस्सी खत्म हो रही है, देखो इक्वलिटी है ना, मतलब हाँ यहाँ चढ़ सकते हो अभी, ठीक है ना, अभी परमिशन है। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स बिलोंग्स टू दिस, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू दिस यूनियन दिस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा आंसर। तो फाइनल यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, इसको ऐड कर लो, माइनस ऑफ टू बाई थ्री है जी, माइनस ऑफ ट्वेल्व बाई थ्री माइनस फोर हो जाएगा, देखो तो माइनस ऑफ फोर हो जाएगा ये, ठीक है ना, टेन बाई थ्री है और ये माइनस टू बाई थ्री है, तो माइनस फोर हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर, और माइनस फोर लेना है यूनियन ये एट बाई थ्री है, एट बाई थ्री टू इन्फिनिटी। तो आपको दिख रहा है ना कितना ईजी वे में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, केसेस लेने का झंझट खत्म हो चुका है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फाइव, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल कर रखे हैं ना उनको भी आप इस मेथड से कर सकते हो, बट आपको कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए कि क्या हम यूज करेंगे और क्या नहीं यूज करेंगे। लीनियर होना चाहिए, बहुत क्लियर है, लीनियर नहीं होगा तो नहीं कर सकते हो, और एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन लेस देन थ्री, ठीक है, चलो लेस देन जीरो ले लो, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी बहुत कर लिए, लेस देन जीरो ले लो। तो आपने क्या बोला कि सर ये तो लीनियर है, ठीक ठाक है, एक्स का क्वेश्चन टू है, यही पे गड़बड़ हो रहा है, तो मैं इसको टू को कॉमन लेता हूँ, टू कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ वन बाई टू लेस देन जीरो, दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ऑफ वन बाई टू लेस देन जीरो, घोड़े को बांध दिया कहाँ पे, वन बाई टू पे, कहाँ बांधा, वन बाई टू पे, रस्सी की लेंथ जीरो, तो इसी पॉइंट पे बंधा हुआ है वो, रस्सी की लेंथ जीरो मतलब समझ लो खूंटे में गर्दन लगा के बांध दिया उसका, रस्सी की लेंथ है ही नहीं, बोला अब उसके अंदर ही चर ले। अब खूंटे में क्या चरेगा वो, खूंटे में थोड़ी खेत में जाना पड़ेगा ना उसको, इधर खूंटे में चर ही नहीं पाएगा वो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब वो चर नहीं पाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये पहले भी कर रखे थे, आपकी अकल थोड़ी जगह पे हो तो, यार मॉड की वैल्यू लेस देन जीरो कब से होने लगी, इससे पहले भी मैं आपसे डिस्कस किया था ये बात कि मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो आंसर क्या होना चाहिए कि नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट एक और ले लो, और ये लास्ट रहेगा इस लेक्चर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सिक्स, मतलब कि मॉड ऑफ थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू एट, ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना, देखा लीनियर है क्या, हाँ लीनियर है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है क्या, नहीं नहीं, तो यही गड़बड़ है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट वन बना लो तो थ्री कॉमन ले लिया, तो दिस इज मॉड एक्स लेस देन एट, थ्री से डिवाइड कर दिया तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन एट बाई थ्री। कोई बोले सर यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाए, तो अभी दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, तो ये आसानी से कर पाओगे ना, रूट क्या है इसका, जीरो है, ये जीरो है, इसका रूट जीरो है, एट बाई थ्री लेंथ की रस्सी, तो इधर एट बाई थ्री, इधर माइनस का एट बाई थ्री, बोला अंदर चरना भाई, अंदर यहाँ पे चरेगा वो, यहाँ चारा खाएगा, इस पे तो नहीं खा सकता क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ऑफ एट बाई थ्री टू एट बाई थ्री, ठीक है, बहुत क्लियर कट आंसर है।
किसी ने बोला ठीक है मैं इस दोनों एग्जांपल्स को मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा और दो एग्जांपल्स यहाँ मिटा रहा हूँ और दो एग्जांपल्स लेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, चैप्टर को नहीं सॉरी इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। फिर चैप्टर में बहुत कुछ है, लगभग दो लेक्चर अभी बनेंगे इस पर, तो इसलिए देखते रहें इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, किसी ने बोला कि सर ये बार बार जो कॉमन लिया जा रहा है, बाय द वे माइनस का हो तो क्या करेंगे, अंदर ही छोड़ देना माइनस, ठीक है ना। ऐसे देखो एग्जांपल नंबर 7 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ मान लो 2 - x < 3 है, ठीक है 2 - x < 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा वे है, ठीक है। इसमें बोला कि सर x का कोएफिशिएंट तो माइनस का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है 1 होना चाहिए, आप मर्जी पड़े मॉडुलस के अंदर इसको माइनस ऑफ x माइनस 2 < 3 कर लो। और एक बात आपको पता है ना, मॉडुलस के अंदर मैं 2 लिखूं या माइनस 2 लिखूं कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि ये वैल्यू सेम ही देगा। तो ये पहले 2 लिखा हुआ था, अब ये माइनस 2 टाइप का हो गया, पहले जो लिखा हुआ था उसका माइनस अभी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि सर अंदर छोड़ दें बाहर छोड़ दें कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये इसको एज इट इज कर लो, एज इट इज करने का मतलब x माइनस 2 < 3, बात खत्म है। अब घोड़ा को बांधो 2 पे और रस्सी की लेंथ 3, मतलब इधर 5 इधर -1, घोड़ा कहाँ अंदर चढ़ना है, ये रहा अंदर वाला पोर्शन, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -1 से 5 तक, ठीक है। अगला यदि मैं एग्जांपल 8 लूँ, ऐसे एग्जांपल नंबर 8 कि 2 - 3x > 9, तो क्या करोगे फिर, यहाँ पे -3 कॉमन ले लें क्या, ले लो -3 ले लो, ले लिया -3 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये माइनस का 2/3 हो जाएगा > 9। -3 रखो या +3 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का रखो या प्लस का रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज 3 इसमें से बाहर ले लिया और माइनस अंदर रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो x -2/3 > 9। कोई बोले कि सर मैं डायरेक्टली यहां से ऐसे कर लूं 3 बाहर लेके और ऐसे लिख दूं 2 - 2/3 - x > 9, तो चलेगा क्या, मतलब सेम है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। ये ध्यान से रखना चाहिए कि x का जो कोफिशियंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 का मतलब +-1 दोनों चल सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो x - 2/3 > 3। अब आंसर लिखें आप सीधा सीधा, 2/3 तो ये रहा, 3 लेंथ की रस्सी है तो 3 ऐड करेंगे तो 2/3 + 3 और 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा 2/3 - 3। कहाँ चलेगा, ग्रेटर देन है ना, तो इधर चलाना इसको, क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7/3 यूनियन, ये कितना हो जाएगा 11/3 ∞, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, और बात को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि ये लेक्चर नहीं समझ में आया तो अगले लेक्चर में तो मतलब समझ लो कि आफत आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप केसेस बना के भी एक बार सॉल्व करके देखें कि कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये जो शॉर्टकट वाला है ना, ये एक लिमिटेड एक्सटेंट तक काम कर रहा है, हमेशा काम नहीं करेगा। लेकिन जो केसेस वाला मेथड है ना, कि मॉडुलस को हम ओपन कर रहे हैं केस बना के, वो मेथड हमेशा काम करने वाला है, क्योंकि अब आगे आने वाले रेंज में सभी में वही मेथड लाइन से लगेगा। तो आई होप आप बात को मेरी कंसिडर करेंगे कि क्या करना है, इनको भी सॉल्व करें एक बार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर बाकी तो मैं हूँ आपको कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, मिलता है अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।